उनका। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपनी एक नई वीडियो में। दोस्तों देख सकते हैं अभी जो अपना जो पहले मैंने वीडियो डाला था, ये जो है दोस्तों अपना दूसरा वीडियो है इसी खेत में। तो अभी जो है हम यहाँ पे दोबारा से जो है रोटावेटर कर रहे हैं। तो ट्रैक्टर चल रहा है अभी अपना लोग के दूसरे गियर में, जो कि स्वराज XT। बाकी काम वगैरह जो है देख सकते हैं आप दूसरे में कुछ इस तरीके से जो है हो रहा है। पहले वीडियो में जो है आपने देखा होगा पिछले अपने कि जो कॉटन है काफ़ी बारीक जो हो रही थी, तो इसके अंदर जो अपने खड़ी हुई कॉटन में जो ये रोटावेटर चलाया था पहले। अभी जो है दोबारा से जो है अपन चला रहे हैं, हालांकि जो है काफ़ी टाइम जो है हो चुका है। तो टाइम इसलिए हो चुका है यानी काफ़ी सारे जो है दिन बीत चुके हैं, क्योंकि बारिश जो है हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़ोर से जो है बारिश चल रहा था। दो तीन दिन जो है बारिश चला, जिससे कि खेत जो है गीला हो चुका है। आप देख सकते हैं मिट्टी में भी जो है थोड़ा सा गीली गीली सी जो है मिट्टी है, जो अपना रोटावेटर है उसको जो है हल्की हल्की जो है मिट्टी चिटक रही है। इससे क्या हो रहा है कि जो अपना कॉटन के जो पेड़ है इसमें जो है हल्की सी नमी बन चुकी है, और इसकी जो छाल आती है इस पेड़ की लकड़ी की, वो हल्की हल्की जो है रोटावेटर को चिटकने लगी, जिससे कि रोटावेटर थोड़ा हल्का हल्का सा जो है जाम हो रहा है। तो ट्रैक्टर पे जो है आप इसकी साउंड्स भी पता कर सकते हैं कि इस पर जो है लोड पड़ रहा है हल्का सा। बाकी जो है अभी हम आप लोगों को जो अपने रोटावेटर है अपना ये शक्तिमान का 5 फुटा, इस पर जो है अपन ने शॉकर्स लगाए। दोस्तों आप देख सकते हैं दोबारा चलने के बाद में यानी काफ़ी मिट्टी निकलने के बाद में भी जो रोटावेटर ठीक से काम कर रहा है, ये मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। तो बने रहना फिर वीडियो में। जो है आप लोग चेक कर सकते हैं किस तरह की जो ये रोटावेटर है, ऐसा ब्लेड वगैरह बिल्कुल भी लग रहा है। जो साइड का जो जिसे अपन बोल सकते हैं वर्म, दोस्तों ये देख सकते हैं बिल्कुल हल्की सी जो है मिट्टी लगा रहा है रोटर, क्योंकि रोटर भी जो है गहराई काफ़ी अच्छी ले रहा है। तो ये जो रोटावेटर है ये साइड में इसी मिट्टी क्यों फेंक रहा है, ये हल्का सा जो है आपको वर्म टाइप जो है दिख रहा होगा यानी बेड टाइप। तो दोस्तों क्या है उसका जो अपने जो इसका पिछला वाला जो हिस्सा है ना उसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठा के रखा है, क्योंकि मिट्टी गीली है और रोटावेटर से जो इतनी गीली मिट्टी जो है बाहर फेंके यानी रोटावेटर जो है बाहर को नहीं फेंक रहा है। अपन ने क्या किया इसका जो पिछला वाला हिस्सा है इसको हल्का सा ऊपर ले लिया, ताकि जो मिट्टी है जल्द से जल्द इससे बाहर आ सके। तो उसी कारण से जो है ना ये हल्की सी मिट्टी जो है लग रही है, लेकिन इतनी कोई ज़्यादा भी नहीं है जिससे अपन को किस तरह की दिक्कत वगैरह नहीं होने वाली है। बाकी आप काम वगैरह देख सकते हैं रोटावेटर का। गहराई की बात करो दोस्तों तो नॉर्मल 5 इंच के आसपास जो है रोटावेटर गहराई जो है ले रहा हूँ, ये भी देख सकते लगभग 5 इंच के आसपास आराम से जो है रोटावेटर गहराई ले रहा है। आप देख सकते हैं मेरा जो हाथ है मिट्टी के नीचे कुछ इस तरीके से जो है अपना काम चल रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं अब ये जो है अपना पहले जो तवा खेत है ये वाला इतना, और ये जो है दोबारा से, तो आपको जो है लगभग अंदाज़ा लग रहा होगा कि कितना जो है बारीक जो अपना खेत में जो कचरा था कॉटन का ये कितना बारीक जो है हो चुका है। यानी किस तरह के अपनों को जो है अब दूसरी बार में जुताई में जो है
यानी अपन जब खेत में जो कोई भी फसल लगाएंगे तो अपन को जो इसकी दिक्कत नहीं आने वाली, पूरा जो कचरा है एकदम बारीक पिस पिस चुका है और इसका जो तो आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही में चैनल को जो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलेंगे दोस्तों ऐसी कोई अच्छी सी नई वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।